कि तू मुझे नजरों से दूर ते चलिए तू किथे चलिए तू ते चलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अनदर मीशो हॉल। जैसे कि आपको मेरे मीशो हॉल काफ़ी पसंद आते हैं और हमेशा कमेंट आता रहता है, दीदी मीशो से और कुर्ता सेट दिखाओ। ले आप एक लुक देख लीजिए, इनमें से झट से आप कुछ भी डिसाइड कर लीजिए और ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले अंडर बजट हैं। कुर्ती भी काफ़ी अफोर्डेबल है, कुर्ता सेट भी काफ़ी अफोर्डेबल है और प्राइस बिल्कुल उनका लो है। ऐसे नहीं है कि क्वालिटी कुछ और रिसीव हुई, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो जैसे कि मीशो में होता है कि प्राइस हमेशा कम होते हैं और वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ यहाँ पे है और अच्छी क्वालिटी के मुझे कुर्ता सेट और कुर्तीज रिसीव हुई हैं। तो देख लेते हैं क्या है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपको अगर अभी तक नहीं पता है मीशो क्या है, मीशो इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। वहाँ से आप अपने लिए बिजनेस कर सकते हो या खुद के लिए परचेज कर सकते हो और इसमें सो मच वैरायटी अवेलेबल है। किड्स वेयर है, फेस्टिवल से रिलेटेड आपको डेकोरेशन का चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, हाउस होल्ड से रिलेटेड चाहिए, तो सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मेरे लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको फर्स्ट ऑर्डर पे 30% का ऑफ मिलेगा या आपके 100 रुपीज़ भी ऑफ हो जाएंगे। तो आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हैं आप उनसे मीशो से परचेजिंग कर सकते हो और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा आराम से। और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा, आपको इंस्टा जो मेरा आईडी है वो भी स्क्रीन में दिख जाएगा। और डू सब्सक्राइब, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जो भी वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो काफ़ी चिटचैट हो गया तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट जो कुर्ती है मेरी है वो मीरांशी से है, आप देख सकते हो यहाँ पे टैग लिखा है और ये राउंड नेक की है। मैं जनरली एल वेयर करती हूँ और ये रेयॉन की है, तो आप देख सकते हो एल यहाँ पे मेंशन है और कलर काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। फेस्टिव में आप डाल सकते हो, डार्क पिंक आप बोल सकते हो और थोड़ा रेड का शेडिंग है, आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा। तो इस तरीके से है ये और यहाँ पे राउंड नेक आपको मिलता है। काफ़ी एलिगेंट सी और फेस्टिव वेयर कुर्तियाँ डाल के इसको आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क है और यहाँ पे गोल्डन से प्रिंट हो रखा है, तो प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी हो रखी है इस तरीके से। और यहाँ पूरे में इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क आप देख सकते हो, कितना नीट एंड क्लीन कर रखा है, तो जिससे फेस्टिव वेयर लग रही है ये वाली कुर्ती। और आप इसको किसी गोल्डन लेगिंग के साथ या प्लाजो के साथ आप उसको वेयर करो तो डेफिनेटली आपका फेस्टिव वेयर रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे 3/4 स्लीव्स हैं और स्लीव्स पे भी आपको इस तरह की गोटा पट्टी वाली जो लेस मिलती है, तो दोनों साइड आपको मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। मुझे जो लॉन्ग कुर्ती होती है काफ़ी अच्छी लगती है, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है, तो आप देख सकते हो इसकी 48 आपको लेंथ मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है। 48 और यहाँ पे आपको जो हेम है इसका और यहाँ पे साइड स्लिट मिलती है, काफ़ी अच्छी है। और ऐसे नहीं है कि बिल्कुल लोकल सा काम कर रखा है, और जो सीक्वेंस वर्क दे रखा है वो काफ़ी अच्छा कर रखा है। पूरा जो फ्रंट में है आपको देखो, पूरा सीक्वेंस वर्क हो रखा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से, बाकी आपको ट्राई ऑन में दिख जाएगा ये देखिए। तो हल्की हल्का सीक्वेंस वर्क है, तो कुर्ती इससे काफ़ी प्रिटी लग रही है। अब मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। बैक से कुर्ती बिल्कुल प्लेन है, जो डिज़ाइन फ्रंट में है वही बैक में है, लेकिन बस सीक्वेंस वर्क नहीं है, सीक्वेंस आपको आगे मिलता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरी कुर्ती प्लेन है और कुर्ती डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, आपको इस प्राइस में आपको मिलती है। और प्राइस इसका मैं आपको बता देती हूँ, 360 में आपको इतनी अच्छी ब्रांडेड कुर्ती मिल रही है। ये मीशो में ही अवेलेबल है और अभी ये इन है, तो आप डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। कुर्ती काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, इतनी अच्छी पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो उसमें शेडिंग हो रखी है, शेडिंग पार्ट से और अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो डार्क पिंक और रेड का इसमें शेड आउट हो रखा है। सॉरी फ्रेंड, बाहर नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और इसको मैंने वेयर किया गोल्डन लेगिंग के साथ, आप प्लाजो के भी साथ कर सकते हो, तो आपका एक एथनिक वेयर रेडी हो जाएगा। तो ये कुर्ती है, मस्ट बाय है, फैब्रिक बहुत अच्छा, आप देख सकते हो रेयॉन में है और गुड क्वालिटी की है, कहीं नहीं जाने वाला। और इसको आपको बस नॉर्मल वॉश करना है और बाकी कुछ नहीं करना, तो इस तरीके से है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने इसके साथ जो दुपट्टा वेयर किया था वो भी मीशो से है, इस टाइप का दुपट्टा है फ्रेंड, ये चंदेरी है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो मीशो में मुझे दिख गया था, आप वहाँ से ले सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में मुझे मिला था, तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगी। और इस वाले को मैंने डाला था, आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ, चंदेरी वाला ये दुपट्टा है और मल्टी कलर है, तो आपका काफ़ी कुर्ते में ये यूज़ हो जाएगा इस तरीके से है। और थोड़ा फेस्टिव वेयर भी ये लगता है इस तरह डालने से, क्योंकि इसमें थोड़ी जो चंदेरी कपड़ा होता है उसमें थोड़ी शाइनिंग होती है, तो वो इसमें है। तो ये वाला दुपट्टा है, इसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। तो मैंने इसके साथ ये वाला डाला था, आप कोई और गोल्डन आपके पास है सीक्वेंस वाला तो आप उसे भी डेफिनेटली डाल सकते हो और अपना लुक कम्प्लीट कर सकते हो। और सिंपल जंग ज्वेलरी डाल लीजिए या इसमें
गोल्डन है तो आप गोल्डन वर्क के इयररिंग्स डाल लीजिए। और ये कुर्ता भी जो मेरा है ये मीशो से, ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था तो आप चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें वो मीशो की है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ। तो फर्स्ट मैं आपको कुर्ते से स्टार्ट करती हूँ। अभी तक मैंने कोई शरारा वाला आपके साथ शेयर नहीं किया था, काफ़ी कमेंट आ रहे थे दी शरारा दिखाइए, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडर बजट, काफ़ी आपको पसंद आने वाला है। देख सकते हो राउंड नेक में है, रेयॉन आपको फैब्रिक मिलेगा। एल साइज मैंने यहाँ पे परचेज किया है और इसकी भी लेंथ काफ़ी अच्छी है, आई थिंक ये 40-47 होगी। तो यहाँ देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन गोटा पट्टी का काम कर रखा है। आप देख सकते हो पूरा जो फ्रंट में है आपको गोटा पट्टी का काम मिलेगा और बॉटम में जो है आपको इस तरह की लेस लगी हुई मिलेगी ट्रायंगल वाली। और यहाँ पे रेड कलर का ये थोड़ा सा बॉर्डर दे रखा है, इसको थोड़ा इन्हेंस बनाने के लिए, थोड़ा ये इसका लुक और इन्हेंस होए। और ये स्लीव्स 3/4 मिलती है आपको, स्लीव्स पे भी गोटा पट्टी का वर्क है, ट्राइंगल वाली लेस है और रेड वाली बॉर्डर लगा रखी है। यहाँ पे आप देखिए पूरा गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, काफ़ी प्यारा कलर का। सो इसमें जो कलर अवेलेबल है काफ़ी अच्छे हैं, येलो है, ब्लू है, तो जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। और यहाँ पे भी देख लीजिए 3/4 स्लीव्स है, तो ये कुर्ता आप देख लीजिए कितना लेंथी है, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और जो रेटिंग है इसकी 4.1 थी, जो फर्स्ट वाला कुर्ता था उसकी भी 4.2 रेटिंग है, मैंने रेटिंग को देखते हुए लिया। और बैक से बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हो कितना अच्छा फैब्रिक है, बिल्कुल सी थ्रू नहीं है कि आपको कुछ पहनना पड़े, आप सीधा इसको पहन सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा है, और ये फ्रंट पार्ट इसका काफ़ी अच्छा है जो डिज़ाइनिंग करके, और जो वर्क कर रखा है वो भी काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है, ऐसे नहीं है कि थ्रेड निकल रहे होंगे। आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, बिल्कुल अच्छा नीट एंड क्लीन काम कर रखा है। एंड में मैं इसको प्राइस आपको बता दूंगी। तो मुझे काफ़ी पसंद आया और लाइट कलर है, अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स में, आप डे में पहन लीजिए या नॉर्मली भी आप इसे कैजुअली यूज़ कर सकते हो। हमें सारी चीज़ें फेस्टिवल में तो नहीं वेयर करनी होती, आगे के लिए भी चाहिए होती है। तो अगर आपको लाइट कलर पसंद है और डे में पहनना है तो आप इसको ले सकते हो। ये अब मैं इसको आपका शरारा दिखाती हूँ जो कि इसका फेवरेट पार्ट है। अब देखिए शरारा कितना प्यारा है इसका, काफ़ी अच्छा शरारा मिलता है आपको, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी। जिस सेलर से मैंने लिया आप उससे ही लेना। देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे दिया, आसन भी इतना अच्छा है, मतलब हिप्स में आपको बिल्कुल टाइट होने वाला नहीं है, इस तरीके से ट्राई ऑन में आपको दिख जाएगा। और कितना सारा आपको ये मिलता है यहाँ पे पूरा, देखिए इतना एक फ्लेयर है। और यहाँ पे भी गोटा पट्टी का इतना प्यारा काम हो रखा है, ये देखिए यहाँ पे हल्की सी प्लीट्स बना रखी है, तो वहाँ पे उन्होंने इस तरह की डिज़ाइनिंग कर रखी है जो कि दिखेगा। अगर इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, कोई शॉर्ट कुर्ता है आप उसको पहन सकते हो तो वो भी अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से है, देखिए कितना अच्छा आपको ये मिलता है, बिल्कुल नहीं है। इलास्टिक की क्वालिटी माइंड ब्लोइंग है, तो बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट है ये वाला। और यहाँ पे आपको इस तरह की ड्रॉ स्ट्रिंग भी मिलती है, आपको हैंग करना है इसको तो वो भी मिलती है। अच्छा इन्होंने दिया है फैब्रिक, सेम जो कुर्ते का है आपको वही बॉटम वेयर का मिलता है। तो शरारा तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, और ऐसा नहीं है कि हल्का सा शरारा हो ना कि इधर उधर उड़ रहा है, ऐसे नहीं है, शरारा का वेट है और अच्छा है। अब मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ, ये मुझे पड़ा है 579 का, तो ये मुझे 580 में मिला, इतना अच्छा डिस्काउंट था उस टाइम पे, तो अभी भी इसका प्राइस इतना ही है, तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। और इसमें साइजेस अवेलेबल हैं आपके स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कुर्तीज़ की तरफ फ्रेंड। कईयों को लाइट कलर पसंद होते हैं, तो मैंने एक कुर्ती ली है जो है फेस्टिवल अप्रोप्रिएट पर लाइट कलर में। आप देख सकते हो इस तरह का इसमें बंधनी प्रिंट हो रखा है और फ्रंट में आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है और ये एल साइज है, तो इस तरीके से है। राउंड नेक आपको मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी आपको इस तरह का गोटा पट्टी का वर्क मिलता है और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये भी पहन के। और यहाँ पे आपको जो योग पार्ट में है वहाँ पे आपको इस तरह का मिलता है, आपको दिख रहा होगा पास से, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो काफ़ी अच्छा फैब्रिक, जितने भी अभी मैंने आपको दिखाया फैब्रिक सबके काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे कुछ नहीं है हार्ड है, ये रेयॉन है, अच्छा है फैब्रिक, समर्स के लिए भी अच्छा है और आप उसको ले सकते हो। देखिए 3/4 स्लीव्स हैं, इसमें भी कलर अवेलेबल है अगर आप लेना चाहते हो, प्राइस इसका भी काफ़ी कम है। तो इस तरीके से है ये पूरा, और इसकी भी लेंथ काफ़ी अच्छी है, आई थिंक 48 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो मुझे लॉन्ग कुर्ती पसंद आती है। अब आपको मैं इसका हेम दिखाती हूँ, तो देखिए इसके जो बिल्कुल हेम है वहाँ पे भी इस तरह का गोटा पट्टी का वर्क कर रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपका ये एथनिक वेयर बन जाता है, आप इसे फेस्टिवल में डाल सकते हो, कहीं आपको जाना है डे में पहनना है तो इस तरीके का है, और अच्छा है। मैंने एल साइज लिया है और लेंथ काफ़ी अच्छी है इसकी। अब मैं आपको इसको बैक से दिखाती हूँ, बैक से फ्रंट बिल्कुल प्लेन है, ये फ्रंट में ही काम है और योग पार्ट से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है मैंने उसी कलर का दुपट्टा डाला, आप इसमें ग्रे डाल लीजिए, मैंने इसमें मेहरून कलर का दुपट्टा आपको डाला था, तो मेरे पास शिफॉन का दुपट्टा था
इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरी सिल्वर लेस लगी थी जो कि इससे मैच हो गई थी, इसकी जो गोटा पट्टी लगी है, तो मैंने इस वाले दुपट्टे को उसमें डाल लिया था, तो काफ़ी अच्छा मिक्स एंड मैच हो गया था। और आप मैरून कलर की लेगिंग डाल लीजिए, प्लाजो डाल लीजिए, तो आपका ये एकदम से फेस्टिव वियर बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है ये वाला, अगर आप लेना चाहते हो। इसका मैं आपको बता देती हूँ, इसमें कलर्स अवेलेबल हैं, रेटिंग है इसकी 4.1 और इसका प्राइस है फ्रेंड आई थिंक 340 में आपको इतना प्रिटी कुर्ता मिलता है, आप देख सकते हो। तो 340 इसका प्राइस है एम्ब्रॉयडरी कुर्ता, और साइज स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक अवेलेबल है। इसके कुर्ती के येलो के नीचे जो बॉटम पहना था वो भी मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी गुड क्वालिटी का मुझे मिला था, जैसे वो बोलते हैं ना थोड़ा लिलन वे में होता है, तो इस तरह का है ये। और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, काफ़ी अच्छा रिसीव हुआ। तो ये मैंने जिस सेलर से लिया था तो पहले बड़ा आ गया था, उसके बाद मैंने 34 मैंने सोचा कहीं टाइट ना हो, मीशो में जो बॉटम होते हैं वो टाइट आ जाते हैं, तो मैंने 36 मंगाया तो वो काफ़ी लूज था, फिर मैंने 34 एक्सचेंज में मंगाया, तो ये काफ़ी अच्छा है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला क्रीम कलर का। तो अगर आप कुछ ऐसा बॉटम ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो, गुड क्वालिटी का। मैंने इसको वॉश भी कर लिया तो कहीं नहीं गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड यही था मेरा मीशो हॉल, आई होप आपको पसंद आया है। तो पसंद आया तो वीडियो से जुड़े रहें, मेरे से जुड़े रहें और इंस्टा में फॉलो कर लें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।